नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते कुछ खबरों की ओर। जिन दिव्यांगजनों को जून, जुलाई, अगस्त अभी तक इन तीन महीनों की पेंशन नहीं मिली है, वो इस खबर को पूरी देखें। अगर आप इस खबर को पूरी देखेंगे तो आपको इस खबर के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्यों तीन महीने की पेंशन अभी तक दिव्यांगों के खाते में नहीं आई है, क्यों एक महीने के ही उनकी खाते में पेंशन आई है। क्योंकि तीन महीनों की राजस्थान के दिव्यांगों की पेंशन पेंडिंग है। पेंडिंग पेंशन रहने का क्या कारण है, किस कारण से उनकी पेंशन अटकी हुई है, किन महीनों के बिल बन चुके हैं, किन महीनों के बिल बनना अभी बाकी है, क्या रीज़न है जिसके कारण दिव्यांगों की पेंशन उनके खाते के अंदर अभी तक नहीं डाली गई है। प्रदेश के लाखों दिव्यांगों की पेंशन अटकी हुई है, इसलिए उनको ये खबर पूरी गंभीरता के साथ देखनी चाहिए ताकि इस खबर के माध्यम से उनको जानकारी मिल सके। साथियों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से दिव्यांग जगत पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पेंशन को लेकर के ये वीडियो है। काफी साथी परेशान थे, कल से फोन भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए। कई साथियों के खाते में राजस्थान के अंदर दिव्यांग पेंशन डल चुकी है, उनके खाते में पैसे आ चुके हैं 1150 रुपए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत राजस्थान के दिव्यांगों के सामने ये आ रही थी कि राजस्थान के दिव्यांगों की पेंशन पिछले तीन महीने से उनके खाते में नहीं आ रही थी, और जो सरकार ने पेंशन डाली है वो कल 1150 रुपए दिव्यांगों के खाते में डाले हैं। अब दिव्यांग इस बात को लेकर के चिंतित है कि ये 1150 रुपए ही सरकार ने क्यों डाले, ये मैं आपको भी समझाऊंगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सरकार ने ये 1150 रुपए क्यों डाले, किस लिए डाले और आगे कब डालेंगे, यह भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर हम बात करें तो तीन महीने की पेंशन 1100 1100 1100, मतलब 3300 150 3450 रुपए आपके आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने, मात्र 1150 रुपए। आपको जो पेंशन मिली है, आपके अकाउंट में अगर चेक करेंगे तो आपको जो पेमेंट मिला है, जो पेंशन मिली है, वो मिली है मात्र जून महीने की। आपके जून का जो बिल बना हुआ है 1150 रुपए का, वो आपको मिला है। और अब आपको पेंशन मिलनी है, वो मिलनी है अगस्त और सितंबर महीने की, जुलाई और अगस्त की। सितंबर का बिल अभी तक बना नहीं है, क्योंकि सितंबर की आज 10-11 तारीख हुई है। अब सरकार ने हमारे खाते में डाले हैं मात्र 1150 रुपए। सरकार को यह करना चाहिए था कि तीन महीने की पेंशन एक साथ डलती, लेकिन साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, ये सब लोग आते हैं, और लगभग करोड़ के आसपास सामाजिक सुरक्षा पेंशन इन लोगों को मिलती है और लगभग सबकी सेम राशि है। सरकार ने जो 1150 रुपए डाल दिए आपके अकाउंट में, वो डाल दिए जून महीने के। अब मेरे से कई साथी ये पूछ रहे हैं कि सर जुलाई का पेमेंट अभी तक डाला गया, जून का पेमेंट अभी तक डाला गया है, जुलाई अगस्त का क्या होगा। बात तो बिल्कुल सही है, और सितंबर शुरू हो गया, और कई साथियों का तो जो उनको पेंशन अगर नहीं मिली तो उनकी व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिगड़ जाती है, बहुत दिक्कत उनको हो जाती है। तो सवाल तो यही है मेरा सरकार से, और मैं बात करने का लगातार प्रयास कर रहा हूं, जो भी अपडेट आपके पास होगा वो मैं दूंगा, लेकिन आप एक बात को लेकर के बेफिक्र रहिए, ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे तो तीन महीने का एक साथ नहीं डाल सकती, डाल सकती है, लेकिन सरकार ने डाले नहीं। अब आप और हम क्या कर सकते हैं, ये सुझाव तो आप देंगे। साथियों मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको पूरी ऑथेंटिक जानकारी दूं, और मैं आज आपसे फिर कह रहा हूं,
जुलाई और अगस्त की जो आपकी पेंशन है वो भी आपके खाते में डलेगी, उसके लिए आपको और वेट करना पड़ेगा और इंतजार के सिवाय हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात आप मेरी गंभीरता से समझ लो और सुन लो, क्योंकि सरकार ने जून का पैसा डाला है तो जुलाई का भी डालेगी। और आजकल तो ऐसा सिस्टम, आप ये नहीं समझे कि सरकार महीने में केवल छह महीने ही पेंशन, साल में केवल छह महीने ही पेंशन देगी और छह महीने के पैसे खा जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये देर सवेर चलेगा, लेकिन पेंशन तो उनको देनी पड़ेगी। अगर पेंशन नहीं देंगे तो ये जो लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको पेंशन मिल रही है ये कहां जाएंगे? तो सरकार को पेंशन तो देनी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप कुछ मत करिए, सोशल मीडिया पर यह मैसेज चल रहा है कि आप अगर मान के चलो, चलो ठीक है, आप धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की सोच रहे हो, आप कर लीजिए, ज्ञापन दे दीजिए, ज्ञापन दे दीजिए, आप कलेक्टर को ज्ञापन दे दीजिए, सबको दे दीजिए, लोकतंत्र में हम धरना प्रदर्शन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? सरकार ने ये मानस बना रखा है, और ये हमारी ही पेंडिंग नहीं है, वृद्धावस्था भी है, दिव्यांग भी है, बुजुर्ग भी है, सीनियर सिटीजन भी है, विधवाओं की भी है, ये सभी की पेंडिंग चल रही है। पेंशन तो सभी की एक साथ आएगी, चिंतित मत होइए, जो पेंशन आपके खाते में डाली गई है उसको आप निकलवाइए। देखो मैं तो सरकार हूं नहीं, मेरा काम केवल आपको जानकारी देने का, और पूरी जहां तक कोशिश रहती है एकदम सही आंकड़ों के साथ आपको जानकारी दूं। बस आपको मेन जो जानकारी वो यही है कि जून की पेंशन आई है, जुलाई अगस्त की बाकी है और सितंबर का बिल बना नहीं है, जुलाई अगस्त का बिल बन गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरे दिव्यांग साथियों तक इस बात को आप शेयर कर दो, उनको भी पता चल जाए कि आखिर माजरा क्या था और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।